अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि एक मैसी रूम हमें स्ट्रेस और एंजाइटी देता है, आज हम वो 15 टिप्स बताएंगे जिससे हम अपने रूम को इंस्टेंटली क्लटर फ्री बना सकते हैं। याद रहे, ये वीडियो में हम क्विक टाइडिंग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे होंगे, डीप क्लीनिंग कवर नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो अपने कमरों की पर्दों और खिड़कियों को खोल देंगे ताकि ताज़ा हवा पास हो सके। ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी है आपके कमरे को फ्रेश रखने में। बिस्तर आपके कमरे में काफ़ी जगह घेरता है, सो सिर्फ बिस्तर बनाने से ही आप अपने रूम को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। एक हल्की बास्केट या ट्रे लेकर कमरे में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें और इस दौरान वो सारी चीज़ें जो अपनी जगह मौजूद नहीं इस बास्केट में डाल लें। बाद में वक्त मिलने पर ये चीज़ें आप उनकी सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस को खाली या फिर कम से कम चीज़ों के साथ रखें। कोशिश करें कि एक सरफेस पे 3 से ज़्यादा चीज़ें ना रखें। अगर रखनी भी हैं तो चीज़ें ऑड नंबर्स में रखें, क्योंकि ऑड नंबर्स आपकी आंखों को ज़्यादा भाते हैं। एक जैसी चीज़ों को साथ रखें, इस तरह से चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती हैं। एक प्यारी सी बिन को अपने रूम के किसी कोने में रख लें जो डंप बिन का काम करेगी। इसमें वक्ती तौर पर रूम की एक्स्ट्रा चीज़ों को डालकर मैसी सामान को छुपाया जा सकता है। अगर आपके रूम के अलमारियां या ड्रॉर सही से बंद नहीं तो इन्हें सही से बंद करें। आधे खुले दराज आपके रूम को मैसी लुक देते हैं। अगर रूम में कोई इस्तेमाल शुदा प्लेट्स या ग्लासेस वगैरह पड़े हैं तो इन्हें कमरे से बाहर रख दें। रूम साफ होने के बाद आप इन्हें किचन में पहुंचा सकते हैं। फैली हुई तारें, जैसे चार्जर्स की तारें होती हैं, अगर बेतरतीब पड़ी हों तो आपके रूम की लुक खराब करती हैं। तो या तो जो तारों का कोई काम नहीं वो आप हटा दें, या फिर तारों को ऐसी जगह लगाएं जहाँ से वो दिखाई ही ना दें। रूम की कुर्सियों पर अक्सर हम सामान रख देते हैं। अगर आपके कमरे में कुर्सियों या सोफों पर कोई सामान पड़ा है, जैसे कपड़े वगैरह, तो इन्हें खाली कर दें। ये जगह सिर्फ आप बैठने के लिए ही यूज़ करें। वर्टिकल स्टोरेज और फंक्शनल वॉल डेकोर को अपना दोस्त बना लें। ज़मीन पर कम से कम चीज़ें रखें। अक्सर हम ज़मीन पर जूते वगैरह भी रख लेते हैं। वैसे तो कोशिश करें कि जूते वगैरह कमरे से बाहर रखें। सपोज़ कि आप कमरे के अंदर रखते हैं तो कोशिश करें कि इसको वर्टिकल स्टोरेज के कंपार्टमेंट्स में रखें। अगर दीवार पर कोई वॉल आर्ट टेढ़ा लगा है तो आप इस पिक्चर को सीधा कर लें, क्योंकि ये आपके जहन को इंगेज रखता है और बार बार आपका जहन उसी तरफ जाता है। अपने रूम की सरफेसेस को माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से साफ कर लें। आम कपड़ा डस्ट को ड्रैग करता है, जबकि माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्ट को लिफ्ट कर देता है, सो माइक्रोफाइबर क्लॉथ प्रेफर करें। आप ये कहीं पे कॉर्नर में भी अपने पास ये कपड़ा रख सकते हैं और जब भी आपको वक्त मिले आप इसको क्लीन कर सकते हैं। रूम की डस्टबिन को खाली कर लें ताकि बैड स्मेल्स की सोर्स को डील कर लिया जाए। रूम फ्रेशनर, डिफ्यूज़र या फिर कैंडल जलाकर रूम में फ्रेशनेस ले आएं। ये कम्प्लीटली आपकी अपनी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि इसमें से कौन कौन सी ट्रिप्स आप ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज़।